व्हाट इज द नेट एनपीए, एनपीए हियर मींस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बहुत बार आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, चाहे वो द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, इकोनॉमिक टाइम्स हो, बिजनेस स्टैंडर्ड, बिजनेस लाइन, जो इकोनॉमिक स्पेसिफिक न्यूज़पेपर्स है, वहां पे काफी सारी ऐसी टर्मिनोलॉजीज यूज करी जाती है, ग्रोस एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नेट एनपीए, देन सीआरएआर, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स एटसेट्रा। तो इनके मीनिंग्स भी कई बार यूपीएससी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो ये बेसिक टर्म्स के मीनिंग आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है नेट एनपीए, दैट इज नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इसके ऊपर चार ऑप्शन दिए, तो इकोनॉमिक टाइम्स में ये था। तो पहला ऑप्शन है कि नेट एनपीए क्या होता है, क्या ये सम ऑफ लोन्स डिफॉल्टेड होता है, या फिर डिफॉल्ट लोन्स माइनस प्रोविजन फॉर डिफॉल्ट होता है, या फिर डिफॉल्ट लोन्स माइनस प्रोविजन फॉर डिफॉल्ट प्लस माइनस इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट होता है, या फिर सम ऑफ लोन्स डिफॉल्टेड माइनस डेप्रिसिएशन। टेक 10 टू 15 सेकंड्स, फिर इसको डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को तभी रिकॉर्ड किया जाता है किसी भी बैंक की बैलेंस शीट के अंदर जब उसके ऊपर 90 डेज का डिफॉल्ट हो, मतलब 90 डेज तक उसके ऊपर ना इंटरेस्ट पे किया गया ना प्रिंसिपल, उसके बाद ही वो जो पर्टिकुलर अमाउंट होता है वो बैंक की बैलेंस शीट के अंदर आ जाता है, ठीक है। क्योंकि इस तरीके की स्टेटमेंट भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि कितने दिन के बाद जो एनपीए वो बैंक शो करता है। अब बात आती है हमारे क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज व्हाट इज नेट एनपीए। देखिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होती है, माल्या का एग्जांपल लेके देखते हैं। लेट्स से एबीसी बैंक ने माल्या को 8000 करोड़ रुपीस दिए, ठीक है, जो अभी माल्या वापस नहीं कर रहा है, और तो 8000 करोड़ का जो ये एंटायर मनी है वो डिफॉल्ट हो गया, मतलब वो अब एबीसी बैंक को नहीं मिलने वाला है। लेकिन एबीसी बैंक हमेशा जब भी किसी को लोन देती है, चाहे वो मिस्टर माल्या हो या कोई भी यहाँ पे एंटिटी हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, तो एक प्रोविजन बना के चलती है कि इतना मेरा पैसा तो जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे लेट्स से कि प्रोविजन बना हुआ था 100 करोड़ का, राइट, तो 100 करोड़ का एक प्रोविजन बना हुआ था, तो यहाँ पे नेट एनपीए कितने होंगे, 8000 करोड़, जो कि यहाँ पर मिस्टर माल्या लेके भागे, माइनस 100 करोड़, रिमेनिंग 7900 करोड़ जो है That will be the net NPA. तो यहाँ पे पहले जो B है हमारा default loans minus provision for default, वो हमारा answer होगा। A यहाँ पे A option को देखते हैं, sum of loans defaulted। देखिए sum of loans defaulted is nothing but the gross NPA। जब आप किसी भी NPA में से उसके provision को less नहीं करते, जो total NPA होता है, मतलब अगर 8000 करोड़ की पूरी बात करी जाए, 8000 करोड़ जो मिस्टर माल्या लेके गए हैं, वो है हमारा gross NPA। उसके अंदर से जब provision को हटा देते हैं तो आ जाता है net NPA। ठीक है, इन्फ्लेशन का इसमें कोई रोल नहीं होता, डेप्रिसिएशन का भी इसमें कोई रोल नहीं होता है। फिलहाल हमारा आंसर तब भी चलते नहीं।